सरकारी मांग निकलने से भी गेहूं के भावों को मजबूती मिली है, जिससे एक बार फिर से गेहूं के दामों में तेजी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं जयपुर मंडी में मिल डिलीवरी दड़ा गेहूं 70 रुपए और उछलकर 2350 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक चुका है। दरअसल इस साल गेहूं के उत्पादन में 50 लाख टन की कमी आने और रिकॉर्ड निर्यात होने से गेहूं की कमी बताई जा रही है। सरकारी खरीद भी गत वर्ष के मुकाबले करीब 55% कम हुई है, लिहाजा गेहूं में चौतरफा तेजी का रुख बना हुआ है। गेहूं कारोबारियों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय गेहूं की मांग काफी बढ़ गई है। इसके चलते ट्रेडर्स की प्रतिस्पर्धात्मक निवाली चल रही है। यही कारण है कि मिस्र सहित लगभग 10 देशों के लिए भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है। गौरतलब है कि बीते माह में सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, मगर कंडीशनल निर्यात अभी भी जारी है। यही कारण है कि गेहूं में रुक रुक कर तेजी का रुख बना हुआ है। उधर केंद्रीय पुल में गेहूं का ज्यादा स्टॉक नहीं है, खपत के लिए अभी पूरा वर्ष बाकी है। रोलर फ्लोर मिलों को अभी तक सरकार की ओर से सस्ता गेहूं नहीं मिल रहा है। इस बीच उत्पादक मंडियों में गेहूं 2250 से लेकर 2300 रुपए तो कहीं कहीं 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता दिखाई दिया है। इस समय राजस्थान की उत्पादक मंडियों में गेहूं की सप्लाई काफी कम रह गई है, जिससे सरकार को देर सवेर केंद्रीय पुल से गेहूं बेचना पड़ सकता है। फिलहाल वर्तमान भाव के गेहूं में निर्यात निवाली को देखते हुए और तेजी के आसार बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।